मैं पहले ही दोहर बता चुकी हूँ। अभी उसी के बचे हुए कपड़े से मैं आज एक बेबी गद्दा और उसका पिलो बताऊंगी। तो पहले मैं इसमें से 7 इंच पे एक निशान लगा के एक पट्टी काट लूंगी दोनों साइड से। ये पट्टी मैंने काट लिया है, इसको मैं पीलो कवर में लगाऊंगी। इसी के कलर का मैंने लिया है, पर ये फुल एक ही कलर में है, तो मैं इसका इसमें फ्रिल लग करूंगी। तो ये मैं पीलो का माप आपको बाद में बताऊंगी। ये गद्दे का माप मैंने ले लिया है, इसकी चौड़ाई है 31 और इसकी लंबाई है 36। अभी मैं इसमें, मेरे पास एक पुराना टॉवल है जो अभी खराब हो गया है, इसको मैं इसके अंदर रख के और चारों तरफ से इसको सिल दूंगी। ये देखिए, मैंने इसको चारों तरफ से ले लिया है, सिल लिया है। अभी मैं इसको क्विल्ट करूंगी। तो ये जो लाइन है मैं यहाँ पे सिलाई चलाऊंगी, एक इधर और एक इधर। और ये जो इसके पे ऐसे बने हैं डिजाइन, मैं उसी पे ऐसे मशीन चला दूंगी। क्विल्ट का वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। ये देखिए, मैंने इसको फिल कर दिया है और उसी के कलर का मैंने धागा यूज़ किया है, तो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, बट ये जो बॉक्स बने हैं मैं उस पर मशीन चला दी हूँ। अभी मैं इसमें पाइपिंग करूँगी। तो इसमें मैंने दोहर में मैंने ब्लैक कलर का पाइपिंग किया था, तो सेम मैं ब्लैक कलर का ही पाइपिंग लूँगी और इसके चारों तरफ पाइपिंग कर दूँगी। और सेम वही साइज रहेगा जो दोहर में था। ये देखिए 3x। ये देखिए, मेरा गद्दा बन गया है जिसमें टॉवल डाला है, तो ये मोटा है और सॉफ्ट लग रहा है। और ये मेरा दोहर बन गया है। अब मैं पिलो बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने ये देखिए कपड़ा ले लिया है, इसी का कलर का है, ये 20x15 का है। अभी मैं इसमें ये पट्टी ऐसा इसमें 2.5 इंच की पट्टी काट लूंगी, 2.5 की पट्टी काट के यहाँ पे एक अटैच कर दूंगी और एक यहाँ पे। ये देखिए, मैंने पट्टी ऐड कर दिया है। अभी मैं ऐसे फोल्ड करूंगी यहाँ से। मैं 3.5 इंच फोल्ड कर लूंगी, ऐसा फोल्ड कर दूंगी और इसको भी मैं ऐसा फोल्ड करके सिल लूंगी। और दूसरा कपड़ा लूंगी मैं, ये देखिए यहाँ से इसको भी ऐसे फोल्ड करके मैं इसके ऊपर ऐसे रखते हुए सिल दूंगी। कम से कम 1.5 इंच तक मैं ये कपड़े को ऊपर ले जाते हुए सिल दूंगी। ये देखिए, मैंने इसको सिल लिया है। अभी मैं इसको सीधा की तरफ ही सेम पट्टी जैसे मैंने दोहर और उसमें लगाया, वैसे ही मैंने उतनी ही चौड़ी पट्टी काट लिया है और इसके पूरे साइज का। अब ये पाइपिंग मैं इसमें ब्लैक कलर का कर दूंगी। ये देखिए, मेरा पिलो बन गया है, पिलो कवर। और इसका पिलो मैंने कैसे बनाया है मैं बाद में आपका
इसके लिए वीडियो बना दूंगी। और ये देखिए इसका मैट, बच्चे का गद्दा, और ये इसी के मैचिंग का दो है बन गया है। जो ये आप न्यूबॉर्न बेबी से लेके 7 साल के बच्चे तक का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।